ससुर जी के लिए पानी लाओ बहू रानी। एक स्कूप है, ये देखने में लग रही है आम है, ये बिल्कुल एक एक स्कूप ही है, और बड़ा क्यूट बर्तन है यार, क्यूट बर्तन है। अम्मा ये क्या क्या कर क्या रही है ये कामाक्षी? आज ये कुछ ज्यादा ही इधर उधर नहीं घूम रही? वो क्योंकि तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं ना। अच्छा, पति के ससुराल वालों का तो वो तेरे लिए कर रही है। अच्छा अच्छा, इसके 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 कुछ नहीं है? ज्यादा ही आज इधर उधर घूम रही है। नहीं नहीं, खातिर माँ बाप के लिए नहीं होती, सौरों के लिए होती है, है ना मम्मा? ये है ना, ये तो है। नहीं नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। चुप हो जाओ, ज्यादा पंगे मत लो मेरे। जग था ना ये स्टील का ले लेना, ये ताजा है, ताजा है, ताजा है। और बाकी सारा इसमें डाल दो ना, इसके अंदर भी एयर फ्रायर है, बड़ा एयर फ्रायर है ये। एयर फ्रायर नहीं करना, पनीर टिक्का। पनीर टिक्का नहीं, बाकी कुछ दही कबाब कर दिया, एक एक करके सर्व होगा। दही कबाब को ऐसे कर रखा, पुट्ठा एयर फ्रायर करना होता है, दही सूख जाएगा सारा। हाँ जी, आओ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए 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 आइए, ये यहीं पे नीचे रख, नीचे रख दे, नीचे रख दे, नीचे रख दे। क्या व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? ऐसा लग रहा है कोई मैच होने वाला है, कोई फुटबॉल मैच होने वाला है। अरे यार तू रहने दे यार, फिर मैंने अभी कॉल बैक किया नहीं। इसने मैच देख लिया, छोड़ दिया होगा, इसने मैच देख लिया, छोड़ दिया होगा उस दिन। देख, हमने निक्कू को थोड़ा लेट करवाया था ना, तभी मैच जीते हम लोग। भाई अगला मैच क्वालिफायर होगा ना, तब भी हमारे साथ आ जाइए, फिर हम तेरे को लेट छोड़ेंगे, फिर हम फिर से जीत जाएंगे। ससुर जी के लिए पानी लाओ बहू रानी। पहली बार आया जैसे मम्मी ने बुलाया तेरे को, देख छटक है, छटक है। गिरा मत दियो, मम्मा ने सुनाई थी ना आज कहानी, बचपन की कहानी, बड़ी खतरनाक खुशबू आ रही है मेरे को दही कबाब की। बिजी टाइम इन द किचन, व्हाट डू वी हैव टू, ऐसे वो रश आवर किचन वाली फीलिंग नहीं आ रही कि ऐसे शेफ शेफ टेबल टाइप कर रहे हैं, फाइव कोर्स मेन्यू। ओके, ये पकड़िए जरा, एक सेकंड, गरम है? हाइजीनिक शेफ हाँ, तो ये है भी तो बाहर का ही ना। चलाकी नहीं ज्यादा, उठ जाओ। ये नहीं खाया इन लोगों ने? नहीं, कल ठीक है खिलाए थे। ये स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी चिप्स है, अच्छे क्रंची स्पाइसी चिप्स। हाँ, मतलब वो जो आजकल ब्लू वाले लेस मीठे आते हैं ना, उनसे तो स्पाइसी है, उनसे तो स्पाइसी। कौन से खाए थे? वो वाले टर्टल वाले, टर्टल वाले अच्छे थे ना, वो वैष्णो देवी वाले, वो भी स्पाइसी थे। आप यहाँ पे क्यों, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे ही होता है, जाइए आप, नहीं बताना पड़ता है। हाँ, जाओ 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 जाओ, चलो बाय 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 बाय। क्या लेके जाऊँ? क्या कर लिया यार, खाना नहीं दिया, प्लेट्स नहीं दी। आगे फुट पूरे डालो, बस बस हो गया, हो गया स्प्रिंकल भी। चलिए अब चटनी वटनी सब चली गई, सब कुछ। हाँ चलेगी, लास्ट चीज लेके हम भी खाएं। चलो निको, तेरे लिए आया ये, अब ले भाई, अब आ गया। ये इसी के लिए लाई थी कि अपने लिए लाई थी? नहीं नहीं, किसी के लिए तो लाया, थोड़ी देर पहले लिया था हमने, सच में भी थोड़ी देर पहले लिया था, तो और बन जाएगा। सुन लो, राइट वाला निकाला था, ये होल्डर वो का क्या करो तुम दोनों? ये ना आज ना सर्विस थोड़ी स्लो है, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने उसको बोला, उसने उसको बोला। ब्लेम गेम बेस्ट है, बेस्ट है ब्लेम गेम। चलाकी करी इसने, जो मर्जी बोले, ये भूल गई थी देना, बाकी भूल गई थी ना तो देना, नहीं नहीं कोई भूल नहीं, सच्चाई ये है, जान के बाद भूल गई थी, नहीं नहीं
कोई बोली नहीं थी, उसने प्लानिंग करी थी, मेरे से डिस्कस करा था। मतलब पापा जी, मैं पापा जी को पहले ये खिलाऊंगी फिर बाद में ये खिलाऊंगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कहाँ दूसरे वाले कहाँ से लगी है? लाला जी से स्टिक वाले। ये सरप्राइज था तेरा? तो सरप्राइज, तो सरप्राइज ऐसे रिवील करके सरप्राइज देना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चौपड़ नहीं, बात लाई है ना मम्मा कर रहा हूँ। यार मेरे को लग रहा है आज तेरी ज्यादा ही टांग खींच रहे हैं सब, तेरे को सामने कुर्सी पे बिठा के ना। नहीं नहीं, मैं भी खींच रहा हूँ ना टांग। नहीं तूने मेरे से प्लानिंग करी थी, ज्यादा ऊपर नीचे कर रही है ये वो है। अच्छा भाई, वो सही बात नहीं है। उस दिन गाड़ी में बैठते मैंने इसको बोला, जहाँ भी तेरे सोरे जा रहा हूँ ठीक लग रहा हूँ। मैंने क्या बोला? ये बोला था, ये बोला मैं तेरे सोरे जा रहा हूँ ठीक लग रहा हूँ। आज तो कुछ ज्यादा ही सफाई कर रही थी, ये भूल गई थी वो करवाना ना, वो रेस्टोरेंट ने गलत दे दिया। नहीं, रेस्टोरेंट ने गलत दे दिया था, तो उसने गलत भेज दिया, तो उसने गलत ऑर्डर भेज दिया। मम्मी जी क्या कहेंगी फिर? बिना पिज्जा है, पिज्जा अच्छा खासा मेन्यू है, स्प्रेड है। चलो जी डिग इन, लेट्स डिग इन। मैंने तो इसको बोला ये लगी हुई थी 10 मिनट से बर्कोस वालों के साथ। हाँ नहीं नहीं, बर्कोस के साथ कॉल पे थी, उन्होंने गलत भेज दिया था सामान। अरे भाई तुम मेरे को ये बताओ, वो बच्ची कंप्लेन कर रही है कि मेरे को किचन में जाने के लिए पासपोर्ट लगा। दो दो मिनट में आ रही थी, दो दो मिनट में आ रही थी। मतलब बड़ी थोड़ा चला, नहीं बड़ी रोक चला, अभी तेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, किस लिए आ रही थी? हाँ जी, वो उसका बहन ने तुम्हारी बुराई कर दी थी, अब तो आप खड़े हो गए। वो उसके लिए बथेरा टाइम होता है, फोन पे बातें कर लेते हैं बथेरा। तो दिया तो समझी नहीं, मतलब की तो देख, मतलब की वो उनको लग रहा है कि हमारी प्राइवेसी में खलल हो रहा है। अरे हाँ बिल्कुल, प्राइवेट टाइम तो मिलता ही नहीं है हम लोगों को। पासपोर्ट क्या है किचन में आने का? बताती हूँ, ये कौन लाएगा सर्विंग स्पून? पासपोर्ट ये तो मम्मी है ना, थे ना मम्मी है। तो मैं फ्रीजर में डाल रही हूँ, सब आराम से ऑर्डर कर रही हूँ, मेरे पास फोन आता है, मेन कोर्स में क्या किया? मैंने कहा अभी देख रही हूँ, जो मन की ऑर्डर कर दूंगी। तो नहीं, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिए तो बाकी हिसाब। ये जब तक मेरे 10 पिज्जा नहीं देगी ना, तब तक मैं इसके पीछे पड़ा रहूंगा। ये मैंने ऑर्डर करा है, कितने कितने पिज्जा का टैली चल रहा है? 10 चल रहा है या 9 चल रहा है? ओ नहीं 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 नहीं, 8 बजे और फिर कुछ ये कुछ करेगी तो मैं बढ़ा दूंगा पिज्जा। खिलाने वाला याद रखियो, मैच के टाइम पे मैं लेके आया था तेरे को फटाफट, भगा भगा के भगा भगा के भगा भगा के। निकू कैसे भैया तेरी है, टांग खींच रहे थे। मैं कहा बच्चा बेचारा परेशान हो रहा, उसको मैच का शौक है कि मैच ही 1 घंटा लेट हो गया। हमने तो पूरी षड्यंत्र रची थी कि निक्कू को लेट करे। क्योंकि पिछली बार ये मैच देख रहा था तो हार गए थे। एक स्कूप है, ये देखने में लग रही है आम है, ये बिल्कुल एक एक स्कूप ही है, लिटरली एक स्कूप है भाई। गिट्टक मैंगो की गिट्टक खाने का तो वही रूल है, जो खाटता है वही खाता है। हम लड़ाई करते नहीं है, जो काटता है वो खा ले, खा के खाए। पहले मेरे को वैसे गिट्टा खाना का पसंद नहीं, मुझे लगता है कि लड़के गिट्टा लो और उसमें आम आता है, सबसे कम मेहनत होती है, ज्यादा उसके हाथ पैर नहीं हो। आइसक्रीम कम खाई थोड़ी आज। हाँ ओके, नीचे जा रहे हैं, चलो आज पापा एक 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 और स्कूप हो जाए आपका। क्या आइसक्रीम का मन तो आपका कर रहा है, दे दो ना, आराम से बैठो। तो पापा जी खा लेते तो मैं उनके साथ खा लेता, मेरा सिर में कैसे लग रहा था उनका मन ना, फिर वो मेरे को लगा फिर उनका फिर मन नहीं रहा था, मैं चलो ठीक है। क्या टाइम हुआ? 12:30 हो गए, भाई भी आने वाला होगा, भी भाई भी गया हुआ है, भाई भी उधर गए हुए हैं, अपने उधर फादर्स डे मनाने, वो भी 1 बजे तक ही आएंगे। हाँ चलो एंजॉय कर लिया, रख दूंगा ना मैं, बैठो आराम से।
मैंने कहा तुम्हें एक वैसे बात बताती हूँ, सब घरों में होता है। अभी ये कामाक्षी के यहाँ से एकादशी आई है, ये पक्षी जो होती है ना ये एकादशी में जरूर, हम भी बच्चे ये हमेशा ढूंढ के देते, बहुत अच्छा लगे भले ही काम आए नहीं आए लेकिन जरूर देते दादी आज के अभी जब जाएंगे बर्तन बर्तन और ये जरूर ये ट्रेडिशनल चीजें होती है, आजकल कम काम आती है। पर ये जब लाइट जाती थी ना कितनी पक्षियां यूज कर रखी है, लाइट गई तो बोल रही थी मंदिर में पक्षी रखी लगे, और हम लोग जब भी काशी देने मंदिर तो एक मंदिर देके आते हैं और एक घर के लिए जरूर हर बार आती है। तो ऐसे ऐसे जब भी पक्षी लेने जाते हैं ना गोल वाली ऐसे ये जिसका वो घूमने वाला होता है, और मटकी भले जो मर्जी दो मटकी जरूर देते हैं। हमने तो बोला नहीं था कि पक्षी या ऐसे देखो, पर सबको पता होता है ये पुरानी चीजें जो सभी रीति रिवाज होते हैं ना कुछ कॉमन ही होते हैं सबके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज पक्षी और मटकी और ये होता है मटकी मंदिर में होती है दो या बर्तन दे दो मंदिर मटकी मंदिर में होती है, बड़ा अच्छी। चलो ओके जी, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। मटकी देते हैं ना तो अच्छा, मटकी के शेप में बर्तन दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मटकी जो हम लोग वो मिट्टी का घड़ा देते हैं उसके ऊपर कवर जैसे होता तो उसका इच्छे देखो, और बड़ा क्यूट बर्तन है यार, क्यूट बर्तन है, क्यूट बर्तन है। मुझे भी नहीं पता था। नहीं नहीं मटकी नहीं देते, नहीं नहीं तुम लोग जब घूमने गए थे ना हम यही आपस में चारों जाने बड़े बंदे बात कर रहे थे, तो हम दादी माँ वाली बातें बता रहे थे कि हम अपनी बुआ के तुम्हारी बुआ के अपनी दीदी के यहाँ कैसे गए, तो वही तो मेरे को कितनी मम्मी तुम्हारे से मैं यही कर रहा था, मैं कहा आज पिक्कू की दादी माँ जिंदा होती ना तो मैं आपसे बोल के बड़ी खूबो भी कृष्ण भक्ति ज्यादा, तो मैं उनके तुम्हारी मम्मी से ये बोला मैं बड़े खुश होते हैं। तो कई चीजें होते हैं ना आपका थॉट प्रोसेस अलाइनमेंट होता है, तो तभी मैं ये देखा रहा था पक्की और यही बोलते थे मटकी जरूर लेनी है, और मटकी तो ऊपर चपनी होनी चाहिए और मटकी लेनी है पानी भरा होना चाहिए पानी भरा होना चाहिए, वही देनी है वैसे देने मंदिर में।